एक नए सोच और विचार के साथ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डीसी मोटर के बारे में बता चुके हैं, आज हम डीसी मोटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो प्रकार में जो मेरा पहला प्रकार आता है वह आता है डीसी सीरीज मोटर का। अब हम जान लेते हैं कि हमारे एक मोटर की जो मौलिक आवश्यकताएँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे एक डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता फर्स्ट नंबर में होती है मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड नंबर में होता है कंडक्टर, और थर्ड नंबर में होता है दी जाने वाली विद्युत सप्लाई। यानी कि हमारे एक मोटर में तीन मौलिक आवश्यकताएँ हैं, फील्ड, आर्मेचर और दी जाने वाली विद्युत सप्लाई यानी कि डीसी सप्लाई। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर में तो मेरा हो गया फील्ड, क्या हो गया, फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया। फील्ड का काम क्या होता है, तो फील्ड का काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करना। दो नंबर में क्या होता है, दो नंबर में सकता हो गया इसका आर्मेचर, क्या हो गया, आर्मेचर। और तीसरे नंबर में इसका सकता क्या हो गया, तो सकता हो गया इसकी डीसी सप्लाई, इसकी डीसी सप्लाई यानी कि डीसी सप्लाई। तो हमारे जनरेटर, हमारे मोटर की तीन मौलिक आवश्यकताएं हैं, आर्मेचर, फील्ड और डीसी सप्लाई। तो जो मेरा फील्ड होता है या फील्ड स्थिर आने वाला भाग है, डीसी मोटर में जो भाग स्थिर रहता है वह कौन है, तो हमारा फील्ड है। और डीसी मोटर में जो भाग घूमता है, जो पार्ट रनिंग करता है, उसे हम कहते हैं आर्मेचर, क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। अब हम यहाँ पर आर्मेचर और सीरीज फील्ड, आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। आर्मेचर को और सीरीज फील्ड को हम यहाँ पर क्या किए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। तो यह मेरा क्या बन गया, यह मेरा बन गया डीसी मोटर, क्या बन गया, डीसी मोटर। यदि आपसे कोई पूछता है कि डीसी मोटर किसे कहते हैं, तो वह मोटर जिसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड स्थापित हो, उस प्रकार के मोटर को हम डीसी मोटर कहते हैं। हमारा यह जो सीरीज फील्ड है, यह स्थिर आने वाला भाग है, और सीरीज फील्ड मोटे तार और कम टर्न का बनाया जाता है, और सीरीज फील्ड का काम होता है चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करना। दो नंबर में दिया गया है आर्मेचर, या आर्मेचर घूमने वाला भाग है, क्या है, आर्मेचर घूमने वाला भाग है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो डीसी मोटर का जो कार्य सिद्धांत है वह है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। डीसी मोटर का जो कार्य सिद्धांत है वह क्या है, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। अब जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या है। तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के अनुसार यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को डाल देते हैं, और डालने के बाद कंडक्टर में जब हम लोग सप्लाई देते हैं, तो हमारा कंडक्टर घूमने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत कहते हैं। आइए हम यहाँ पर अब गौर करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डीसी सप्लाई, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डीसी सप्लाई हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो जब यहाँ पर हम डीसी सप्लाई देंगे, तो डीसी सप्लाई जाएगी हमारे फील्ड के अंदर। तो जब फील्ड में हमारी डीसी सप्लाई क्या करेगी, प्रवेश करेगी, तो हमारे इस फील्ड के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होंगे, क्या उत्पन्न होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होंगे। उसके बाद यह सप्लाई आगे की तरफ बढ़ करके हमारे जाएगी आर्मेचर में। जैसे ही हमारी सप्लाई आर्मेचर में जाएगी, तो आर्मेचर में कई सारे आपके कंडक्टर लगे हुए हैं, तो कंडक्टर के कारण इस आर्मेचर के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब एक चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर का हो गया, और दूसरा चुंबकीय फ्लक्स मेरा किसका हो गया, तो फील्ड का हो गया। अब दोनों चुंबकीय फ्लक्स के बीच में विरोध होगा, टेंशन होगा, तनाव होगा, जिसके कारण यह आर्मेचर घूमने का प्रयत्न करेगा या घूमना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। सप्लाई देते वक्त क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा देते हैं, क्या करते हैं, एम्पियर मीटर लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर सप्लाई देने से पहले एम्पियर मीटर लगा दिया। अब यह एम्पियर मीटर जितना करेंट का रीडिंग देगा, यह एम्पियर मीटर जितने करेंट का रीडिंग देगा, उस करेंट को हम लोग कहेंगे लाइन करेंट, क्या कहेंगे, लाइन करेंट, सॉरी लाइन नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे हम लोड करेंट, क्या कहेंगे, लोड करेंट। तो यह एम्पियर मीटर जितना करेंट का वैल्यू बताएगा, उसे हम लोग कहेंगे लोड करेंट। बात समझ में आ गई। तो सीरीज मोटर में जो हमारा लोड करेंट होता है, वह आर्मेचर करेंट तथा सीरीज फील्ड करेंट, सीरीज फील्ड करेंट क्या होता है, यानी कि हमारे सीरीज मोटर में लोड करेंट, आर्मेचर करेंट और सीरीज फील्ड करेंट तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आप जान लेते हैं कि लोड करेंट क्या है, सीरीज फील्ड करेंट क्या है और आर्मेचर करेंट क्या है। तो लोड करेंट, लोड करेंट का मतलब अभी आपको बता दिए हैं, जितना हमारा डीसी मोटर जितना हमारा करंट लेगा, उसे हम लोग कहते हैं लोड करेंट। यानी कि जो मेरा बाहर वाला एम्पियर मीटर है वो क्या बताएगा, ये हमारा लोड करंट बताएगा। अब हम चले आते हैं इस फील्ड के अंदर। तो इस फील्ड में
जितना करंट खर्च होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सीरीज फील्ड करंट। उसके बाद सप्लाई चले आई हमारे आर्मेचर में, आर्मेचर में जितना सप्लाई खर्च होगा उसे हम क्या कहेंगे, आर्मेचर करंट हम कहेंगे। तो हमारे डीसी मोटर के फील्ड में जो सप्लाई का वैल्यू खर्च होगा उसे हम कहेंगे सीरीज फील्ड करेंट, आर्मेचर में जो खर्च होगा उसे हम कहेंगे आर्मेचर करेंट। और लोड करेंट अभी आपको बताई दिए हैं, तो हमारे एक डीसी सीरीज मोटर में लोड करेंट, आर्मेचर करेंट और सीरीज फील्ड करेंट क्या होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं वोल्टेज के ऊपर, किसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, वोल्टेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमने सप्लाई किया है, हमने यहाँ पर वोल्टेज इनपुट किया है, तो यहाँ पर भी, तो मेरा जो भी बराबर होगा वो क्या होगा, भी बराबर क्या होगा, तो भी बराबर हो जाएगा मेरा ईबी प्लस ईबी, भी बराबर क्या हो जाएगा ईबी प्लस आईए इनटू आरए, क्या हो जाएगा भी बराबर ईबी प्लस आईए इनटू आरए, क्या हो जाएगा आईए इनटू आरए। बात समझ में आ गई, टोटल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, इसके साथ में यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम सप्लाई दिए, ईबी का मतलब क्या हो गया, ईबी का मतलब हो गया बैक ईएमएफ, क्या हो गया जी, ईबी का मतलब, ईबी का मतलब होता है हमारा बैक ईएमएफ, क्लियर, क्या होता है बैक ईएमएफ। अब जान लेते हैं कि बैक ईएमएफ क्या है, तो हमारा जो डीसी मोटर है क्या है, डीसी मोटर है, तो जैसे हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो हमारे इस फील्ड के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं और सप्लाई हमारे आर्मेचर में जाते हैं, तो आर्मेचर से भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब होता क्या है कि डीसी फील्ड जो है, हमारे जो फील्ड है, इस फील्ड के माध्यम से इस आर्मेचर में के जो कंडक्टर हैं उन कंडक्टर के ऊपर हमारा चुंबकीय फ्लक्स पड़ता है, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स पड़ता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स इस आर्मेचर के कंडक्टर पर पड़ता है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो हमारे कंडक्टर पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो सिद्धांत कार्य कर रहे हैं, तो पहला जो सिद्धांत है वह डीसी मोटर कार्य कर रहा है और जो दूसरा सिद्धांत है वह डीसी जनरेटर कार्य कर रहा है। तो डीसी मोटर के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर मोटर का जो आर्मेचर है घूमना शुरू करेगा और डीसी जनरेटर के सिद्धांत के अनुसार इस आर्मेचर में क्या होगी, सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी, क्या होगी यहाँ पर सप्लाई उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे आर्मेचर में जो सप्लाई उत्पन्न होगी उस सप्लाई को हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ, क्या कहते हैं बैक ईएमएफ कहते हैं, बात सुनाएगी। और जितने भी हमारे जनरेटर होते हैं उन सभी जनरेटरों में बैक ईएमएफ होता है, जिस जनरेटर में बैक ईएमएफ नहीं होगा वो जनरेटर काम नहीं करेगा, यानी कि सभी हम प्रकार के जो हमारे जनरेटर हैं उन सभी जनरेटर में हमारे बैक ईएमएफ होते हैं। बैक ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, विरोधी बल, क्या हो जाएगा विरोधी बल। ये जो हमारा बैक ईएमएफ होगा वो हमेशा दी जाने वाला, यानी कि यहाँ पर जो हम सप्लाई इनपुट कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं, उस वोल्टेज का विरोध कौन करेगा, बैक ईएमएफ करेगा, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो जो हमारे डीसी मोटर है, ये जो डीसी मोटर के कुछ अभिलक्षण है, क्या है कुछ अभिलक्षण है, तो हम इसके अभिलक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो अभिलक्षण के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा डीसी मोटर है इसका अभिलक्षण हम तीन तरीके से करते हैं। तो एक तो हम लोड को ले लेते हैं एक नंबर में, दो नंबर में टार्क और तीन नंबर में स्पीड, यानी कि हम लोग जब डीसी मोटर की अभिलक्षण की बात करते हैं, इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो उस समय हम तीन चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं, तीन चीज़ों को हम गौर करते हैं। एक हमारा होता है टार्क, दो नंबर में लोड और तीन नंबर में स्पीड, या जिसे हम लोग गति करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि लोड क्या है, टार्क क्या है और स्पीड क्या है। तो लोड का मतलब हो गया भार, जैसे हमारा मोटर है, मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो मोटर को हम चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मोटर के सॉफ्ट पर हम किसी न किसी वस्तु को जोड़ करके उसे हम कार्य कराएंगे। जैसे मेरा पानी का मोटर हो गया, पानी के मोटर के साथ क्या करते हैं, पानी का जो मोटर का जो सॉफ्ट होता है वहाँ पर हमें छोटा सा पंप सेट लगा देते हैं, जिसके माध्यम से पानी क्या होता है जमीन से बाहर आ जाता है। लिफ्ट की बात कर लेते हैं, तो लिफ्ट में क्या करते हैं, हमारा मोटर होता है और मोटर के साथ हम क्या करते हैं, लिफ्ट इत्यादि को आपस में जोड़ देते हैं, बात समझ रहे हैं ना जी। तो लोड का मतलब क्या हो गया, लोड का मतलब हो गया कि हमारे डीसी मोटर के सॉफ्ट पर जो हमने भार जोड़ा है, डीसी मोटर के सॉफ्ट पर जो हमने भार जोड़ा है उस भार को हम लोग कहते हैं लोड, क्या कहते हैं लोड कहते हैं, बात समझ में आ गई। अब जान लेते हैं, लोड तो हम लोग जान गए, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि स्पीड क्या है और टार्क क्या है।
तो स्पीड का मतलब होता है घुमाव या गति, और टॉर्क का मतलब होता है घुमाव बल। तो घुमाव बल और गति, तो गति के बारे में आप जान चुके हैं या जानते हैं साइंस में कि किसी वस्तु के अवस्था में समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं गति। क्या कहते हैं उस अवस्था को? हम लोग कहते हैं कि वस्तु हमारी गति की अवस्था में है। और टॉर्क का मतलब क्या हो गया? टॉर्क का मतलब हो गया कि वह गति की अवस्था में है बट वह अपने साथ बल को लेकर के वह जा रही है। क्या करिए? बल के लेकर के वह जा रही है। एग्जांपल के तौर पे हम एक पंखा ले लेते हैं। पंखा का स्पीड हमारा मान लेते हैं कि 300 आरपीएम है, और एक हम मोटर ले लेते हैं जो मोटर हमारा 1 HP का है और मोटर का स्पीड भी 300 आरपीएम है। यदि हम पंखा को पकड़ेंगे तो पंखा क्या होगा? पंखा को यदि हम पकड़ते तो पंखा हमारा रुक जाएगा, मगर हम मोटर के फ्लक्स को पकड़ेंगे तो मोटर हमारा नहीं रुकेगा। इसका मतलब क्या है कि पंखे का जो घुमाव बल है वो घुमाव बल कम है और मोटर का जो घुमाव बल है वो ज़्यादा है। तो हम टॉर्क के बारे में जान गए, गति के बारे में जान गए और लोड के बारे में जान गए। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, टॉर्क, गति, लोड। टॉर्क का मतलब होता है घुमाव बल। घुमाव बल का तात्पर्य क्या है कि मोटर जब घूमती है तो अपने साथ वह कितने बल को लेकर के घूमती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मोटरसाइकिल का। जो हमारा मोटरसाइकिल होता है वह 4 नंबर गियर में अधिक स्पीड में होता है, 3 नंबर में उससे कम होता है, और 2 नंबर में उससे कम होता है, और 1 नंबर में फिर उसका और भी कम होता है। मगर यहाँ पर देखिए तो 1 नंबर गियर में मोटरसाइकिल का स्पीड जो होगा वह कम होगा, मगर उसके जो खींचने की ताकत होगी वह क्या होगी? ज़्यादा होगी। 2 नंबर में क्या होगा? 2 नंबर गियर में मोटर का स्पीड 1 नंबर गियर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर जो लोड लेने की जो शक्ति होगी, जो टाने की जो शक्ति होगी वह कम होगी। 3 नंबर गियर में क्या होगा कि मोटर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, मगर जो लोड लेने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। 4 नंबर गियर में क्या होगा? स्पीड ज़्यादा होगी, मगर जो उसका टॉर्क होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? टॉर्क कम हो जाएगा। तो हम टॉर्क के बारे में, लोड के बारे में और गति के बारे में हम जान गए। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर के हम क्या करते हैं? उसकी अभिलक्षण के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला वाला अभिलक्षण क्या है? टॉर्क लोड अभिलक्षण। टॉर्क लोड अभिलक्षण। तो टॉर्क लोड अभिलक्षण में क्या होता है कि कम लोड पर यानी कि जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के फलस्वरूप जब हम लोग मोटर को लोड कम देते हैं, मोटर का लोड हम लोग जब कम देते हैं तो क्या होगा? कम लोड पर टॉर्क का मान भी क्या होता है? कम होता है। कम लोड पर टॉर्क का मान क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कम लोड पर टॉर्क का मान कैसे कम होगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कम लोड पर टॉर्क का मान कम कैसे होगा। तो हम यहाँ पर ध्यान लेते हैं कि हमारा जो आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के साथ में हमने यहाँ पर क्या किया है कि 5 kg का हमने एक लोड स्थापित कर दिया है। क्या किया है? 5 kg का हमने यहाँ पर लोड स्थापित कर दिया गया है। तो 5 kg के लोड को घुमाने के लिए यह मोटर क्या करेगी? उसके अनुरूप करेंट लेगी। तो जितना करेंट लेगी वह करेंट का वैल्यू हमारे फील्ड में भी जाएगा और हमारे आर्मेचर में भी आएगा। किसमें आएगा? फील्ड में भी आएगा और आर्मेचर में भी आएगा। बात यहाँ पर समझ में आ रही है? तो यदि यहाँ पर लोड मेरा 5 kg है तो यहाँ पर करेंट का वैल्यू मान लेते हैं कि 7 एम्पियर है। तो करेंट 7 एम्पियर हमारे फील्ड में भी जाएगा और करेंट 7 एम्पियर हमारे आर्मेचर में भी आएगा। अब यदि हम यहाँ पर लोड को हटा करके क्या करते हैं, यहाँ पर हम 8 kg कर देते हैं तो करेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेंट का वैल्यू मेरा 7 के बजाय 10 एम्पियर हो जाएगा और आर्मेचर में करेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। तो जब 10 एम्पियर का करेंट क्या होगा? हमारे फील्ड में जाएगा। तो 7 एम्पियर का करेंट जब हमारे फील्ड से जाएगा तो हमारा जो फील्ड है यह कम मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। जैसे ही करेंट का वैल्यू 10 एम्पियर हो जाएगा हमारा जो फील्ड है पहले की अपेक्षा क्या करेगा? चुंबकीय शक्ति अधिक उत्पन्न करेगा। इतना तो बात आप जान गए कि यदि हम किसी विद्युत चुंबक में कम सप्लाई देंगे तो कम चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा और अधिक सप्लाई देंगे तो अधिक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर हम 7 एम्पियर का करेंट देते हैं यह कम चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है और 10 एम्पियर का सप्लाई देते हैं तो अधिक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जिस प्रकार लोड बढ़ेगा उस प्रकार करेंट का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर लोड बढ़ता है उस अनुरूप यहाँ पर करेंट का वैल्यू बढ़ेगा, और करेंट का जब वैल्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगी वो अधिक मात्रा में होगी। क्या होगी? अधिक मात्रा में होगी। आज जब चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, क्या होगा? अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? टॉर्क का वैल्यू भी मेरा अधिक मात्रा में होगा। बात सुनाई कि नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिएगा, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? टॉर्क लोड अभिलक्षण।
तो टार्क लोड अभिलक्षण में क्या होता है कि कम लोड पर जो टार्क होता है, टार्क क्या होता है, कम लोड पर मेरा टार्क कम होता है, कम लोड पर टार्क मेरा कम होगा और मोटर का स्पीड क्या होगा, मोटर का स्पीड ज्यादा होगा, क्या होगा, मोटर का स्पीड मेरा ज्यादा होगा और उसका जो टार्क होगा वो टार्क कम होगा। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर लोड बढ़ाएंगे, उस प्रकार मोटर का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि लोड बढ़ाने पर मोटर का स्पीड कम होगा, मगर इसका जो टार्क है, जिसे खींचने की जिसकी शक्ति है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि टार्क लोड अभिलक्षण में कम लोड पर टार्क का मान क्या होता है, कम होता है, और अधिक लोड पर टार्क का मान क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि जो मेरा टार्क होता है वह समानुपाती होता है किसके, आर्मेचर करंट के। जो मेरा आर्मेचर हो गया आर्मेचर में जो करंट जाएगा उस करंट के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या चीज, टार्क मतलब घुमाव बल। अब हम चलते हैं किसके बारे में, अब हम चलते हैं गति लोड अभिलक्षण के बारे में। तो गति लोड अभिलक्षण में क्या होता है कि कम लोड पर जो गति होती है वो उच्च होती है, यानी कि हमारे मोटर पर जब लोड कम होगा, यानी कि जब लोड 1 किलो का होगा तो मोटर का जो गति होगा वो ज्यादा होगा, गति क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसका जो टार्क होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे ही हम यहाँ पर लोड 1 kg के बजाय 10 kg कर देंगे तो मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, मोटर का स्पीड कम हो जाएगा और उसका जो टार्क होगा, यानी कि जो ले जाने की उसकी जो क्षमता होगी वह बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर में, तो गति टार्क अभिलक्षण में क्या होता है कि टार्क निम्न होता है, जब टार्क निम्न होगा तो गति क्या होगी, उच्च होगी। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर तीनों चीज जान गए, तीनों अभिलक्षण जान गए। पहला मेरा अभिलक्षण क्या है, टार्क लोड अभिलक्षण, 2 नंबर में गति लोड अभिलक्षण, और 3 नंबर में गति टार्क अभिलक्षण। इतना बात हम जान गए। अब हम चर्चा करते हैं कि डीसी मोटर का जो स्पीड होता है उस स्पीड को हम लोग किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यह बात हम जानते हैं कि जो हमारे डीसी मोटर हैं, या डीसी मोटर शुरुआती तौर पर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग डीसी मोटर को विदाउट लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। यदि हम डीसी मोटर को विदाउट लोड पर स्टार्ट करेंगे तो वो अपने फाउंडेशन क्या करेगा, उखाड़ करके फेंक देगा, क्या करेगा, वो फेंक देगा। इसलिए डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कई सारे हम प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिस प्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो मेरा पहला प्रणाली है उस प्रणाली को हम लोग कहते हैं आर्मेचर डिवाइडर विधि, क्या कहेंगे, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि, क्या कहेंगे, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। यहाँ पर जो मेरा पहला विधि है, यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं, यहाँ पर मेरा जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक है आर्मेचर, वह टॉपिक क्या है मेरा, तो डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग निम्न विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें मेरा पहला जो विधि होगा उस विधि को हम लोग कहेंगे आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि, क्या हो जाएगी, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। जो मेरी दूसरी हो जाएगी, इसे हम लोग कहेंगे फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि। क्लियर। तो हम इन दो विधियों के बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की जो विधियां हैं उसे हम बताएंगे अभी जस्ट। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि में क्या होता है कि यह मेरा मोटर हो गया, मोटर का यह आर्मेचर हो गया, और आर्मेचर के साथ यह सीरीज क्रम में क्या जुड़ा है, मेरा ये सीरीज फील्ड जुड़ा है। यह जो डायग्राम हम देख रहे हैं किसका, यह डायग्राम मेरा सीरीज मोटर का है। अब हम क्या करेंगे, तो हम जान रहे हैं यहाँ पर आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि, यानी कि आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि के माध्यम से हम डीसी सीरीज मोटर का स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के समानांतर क्रम में हम लोग एक डाइवर्टर यानी कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे ही हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, आर्मेचर का जो करंट होता है उस करंट को हम क्या कर देते हैं, कम करते हैं और ज्यादा करते हैं। तो हम आर्मेचर के करंट को कम और ज्यादा करके हम लोग आर्मेचर क्या करते हैं, हम लोग डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या जाने, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। तो आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि में क्या होता है कि हम लोग सीरीज मोटर के आर्मेचर के समानांतर क्रम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक डिस्ट्रेट लगा देते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग आर्मेचर करंट के वैल्यू को कम कर देते हैं। और जैसे ही आर्मेचर करंट का वैल्यू कम होता है मोटर का स्पीड ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं दो नंबर में दिया गया है मेरा फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि। तो फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस हमारा जो मोटर हो गया, इस मोटर के फील्ड के श्रेणी क्रम में किस क्रम है, तो फील्ड के श्रेणी क्रम में किस क्रम है, फील्ड के हम लोग श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, तो फील्ड के श्रेणी क्रम हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं, फील्ड के समानांतर क्रम में क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि, यानी कि फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि के माध्यम से हमें डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा यह जो फील्ड है, इस फील्ड के समानांतर क्रम में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो जैसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस इस फील्ड के करंट को, यानी कि इस फील्ड में जो करंट जाता है उसके वैल्यू को ये कम कर देता है और हमारे डीसी मोटर का जो स्पीड है वो क्या रहता है, स्पीड कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो मेरा तीसरा विधि क्या है, तो हमारी तीसरी विधि है सप्लाई। क्या है जी, हमारी तीसरी विधि है सप्लाई नियंत्रण विधि। क्या है जी, सप्लाई नियंत्रण विधि। अब सप्लाई नियंत्रण विधि में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई नियंत्रण विधि में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा यह जो डीसी मोटर हो गया, क्या हो गया, डीसी मोटर हो गया, इस डीसी मोटर में क्या हो गया, यह मेरा फील्ड हो गया और ये मेरा पॉइंट निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसके बाहर, यानी कि हमारा डीसी मोटर हो गया, डीसी मोटर के बाहर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल स्टेट, क्या करते हैं, वेरिएबल स्टेट को, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल स्टेंस है। आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो रेजिस्टेंस का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग वोल्टेज के वैल्यू को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग वोल्टेज को कम कर देते हैं, और जब वोल्टेज कम होता है तो ऑटोमेटिक हमारे मोटर का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। और जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि जैसे ही मेरे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि मेरा क्या है, यह मेरा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है या जो स्टेट कहें, तो स्टेट के माध्यम से हम लोग वोल्टेज को कम और ज्यादा करके इस मोटर के स्पीड को हम लोग कम और ज्यादा कर लेते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए यहाँ पर तीन विधि दी गई है, एक आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि, दो नंबर में फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि, और तीन नंबर में क्या है, सप्लाई नियंत्रण विधि। तो सप्लाई नियंत्रण विधि में क्या करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर के बाहर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से हम लोग वोल्टेज को कम और ज्यादा करके हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल हम कर लेते हैं। क्लियर? अगला जो मेरा दिया गया है चार नंबर में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। तो श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि में हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। तो श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि में हम लोग क्या करते हैं, तो यह मेरा हो गया आर्मेचर और यहाँ पर हमारा दिया गया फील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। फील्ड को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं, फील्ड को हम लोग दो भागों में बांट दिया, जो मेरा सीरीज फील्ड है उस सीरीज फील्ड को हमने दो भागों में बांट दिया है, यह मेरा आर्मेचर हो गया, दिख रहा है आप सबको। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग इस सीरीज फील्ड को, ये जो हमारे सीरीज फील्ड के जो पॉइंट हैं, इन सीरीज फील्ड के पॉइंट को हम लोग आपस में चेंज करके क्या करते हैं, आपस में हम चेंज कर देते हैं। और आपस में चेंज करने के बाद जैसे हम यहाँ पर इसके फील्ड को हम जैसे ही आपस में चेंज करते हैं, तो क्या होता है, इसका स्पीड ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। जैसे यह जो मेरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यह मेरा फील्ड का पहला भाग है, सीरीज फील्ड का मेरा भाग नंबर एक है और यह सीरीज फील्ड का भाग नंबर दो है। तो पहला भाग मेरे श्रेणी क्रम में लगा है, अब दूसरे भाग को हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ बता दिया है। तो ये और ये दोनों किस क्रम में हो गया, तो दोनों हो गया मेरे समानांतर क्रम में। अब इस पॉइंट को हम लेकर यहाँ पर चले आएंगे,
अब यहां पर जब हम सप्लाई देंगे तो ये दोनों क्रम में किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया, क्लियर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हम चाहें तो किस क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो समांतर और श्रेणी क्रम यानी कि जो मेरा ये जो मेरा विधि, इस विधि को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इस विधि को हम लोग कहते हैं श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। तो श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि में क्या करते हैं हम लोग, तो जो मेरा सीरीज फील्ड होता है, सीरीज फील्ड को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं और बांटने के बाद हम लोग दोनों भागों को आपस में श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ करके डीसी मोटर के स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक। और जो मेरा अगला विधि है, तो यहाँ पर इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे श्रेणी, क्या कहेंगे, श्रेणी समानांतर, श्रेणी समानांतर नियंत्रण, श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि, क्लियर। और जो मेरा पांचवा विधि हो जाएगा, इस विधि को हम लोग कहेंगे टैपिंग विधि, क्या कहेंगे, टैपिंग विधि, क्या कहेंगे, टैपिंग विधि। बात समझ में आ गई। तो हमारे डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पांच प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं, आर्मेचर डायवर्टर विधि। आर्मेचर डायवर्टर विधि में क्या करते हैं कि आर्मेचर के समानांतर क्रम में एक डायवर्टर यानी कि यूनिट लगा देते हैं। अब चलते हैं फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि में। तो फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि में क्या करते हैं, तो हम लोग मोटर का जो फील्ड होता है, फील्ड के समानांतर क्रम में हम लोग एक डायवर्टर या यूनिट को जोड़ देते हैं। जो हमारा चार नंबर में दिया गया सप्लाई नियंत्रण विधि, तो सप्लाई नियंत्रण विधि में क्या करते हैं कि मोटर के बाहर एक थोड़ा डायवर्टर लगा देते हैं और डायवर्टर की सहायता से वोल्टेज को कम और अधिक करके हम क्या करते हैं, उसके स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जो मेरा चार नंबर में दिया गया है श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि, तो श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि में क्या करते हैं, जो मेरा मोटर होता है, मोटर के फील्ड को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं और बांट करके उसे हम लोग श्रेणी और समानांतर क्रम में जोड़ कर क्या करते हैं, स्पीड को नियंत्रित कर लेते हैं। जो मेरा पांचवा दिया गया, इसे हम लोग कहते हैं टैपिंग विधि। तो टैपिंग विधि में क्या करते हैं कि मेरा हो गया आर्मेचर, ध्यान दीजिएगा आपको, या मेरा आर्मेचर हो गया, क्लियर, क्या हो गया आर्मेचर, या वहां पर बगल में दिया गया मेरा फील्ड। अब क्या करते हैं, फील्ड में से हम लोग कई सारे टैपिंग निकाल देते हैं, क्या करते हैं, कई सारे हम फील्ड में से टैपिंग को निकाल देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर क्या किया, हम टैपिंग निकाल दिया, निकालने के बाद यहाँ पर मैंने इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार टैपिंग स्विच के माध्यम से यानी कि रोटरी स्विच के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके टैपिंग यानी कि इसके जो फील्ड का जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग की हम लोग संख्या को क्या करते हैं, कम और अधिक करके मोटर के स्पीड को कम तो कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमारे डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने की पांच विधि है, आर्मेचर डायवर्टर विधि, फील्ड डायवर्टर विधि, क्लियर। जो मेरा तीसरा उसे कहेंगे सप्लाई नियंत्रण विधि, जो मेरा चौथा उसे कहेंगे समानांतर श्रेणी नियंत्रण विधि, और जो मेरा पांचवा उसे कहेंगे टैपिंग नियंत्रण विधि। एक और विधि है जो मेरा छठा विधि है, जिसे हम लोग कहते हैं वाल्व न्यूनाइड, वाल्व न्यूनाइड विधि है। इस विधि के माध्यम से हम लोग सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, शंट का भी कर सकते हैं, कंपाउंड का भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारी ये पांच विधियां हैं, ये पांच विधियां जो हैं अधिक यूज की जाती हैं डीसी सीरीज मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद पड़े तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।